सिक्स फाइव फोर, होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, टीवीडी वन का सफलतापूर्ण प्रज्वलन प्लस और फाइव सेकेंड्स, उत्थापन तथा रिपीट प्रमोचन मंच से। करेंट। चंद्रयान के सफल लॉन्च और लैंडिंग के बाद से ही सभी की नजरें भारत के गगनयान मिशन पर टिकी हुई हैं। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी। इसरो ने आज सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन वन और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। लेकिन इस लॉन्चिंग के ठीक पहले सब ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। सिक्स फाइव फोर, होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। यान की लॉन्चिंग को लॉन्च से ठीक 5 सेकंड पहले रोकना पड़ा था। दरअसल तब इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। द लिफ्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ TVD1 कुड नॉट हैपन टुडे। द इनिशियली द लॉन्च वाज शेड्यूल्ड एट 8 ओ'क्लॉक, 8 AM। देयर वाज अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द लिफ्ट ऑफ टाइम टू 8:45 ड्यू टू वेदर सिचुएशन, एंड वी हैड अ वेरी स्मूथ ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function, has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. जब इसरो चीफ को इस वक्त सभी ने सुना तो लगा मानो ये लॉन्च अब महीनों के लिए टल गया हो, मगर फिर तकनीकी समस्याओं को दूर करते हुए लाइव स्ट्रीम दोबारा शुरू हुआ और गगनयान की सफल लॉन्चिंग की गई। दरअसल मिशन की टेस्ट लॉन्चिंग आज सुबह 8 बजे के लिए शेड्यूल्ड थी, फिर इसमें बदलाव कर इसे 8:30 किया गया और लॉन्चिंग का अंतिम समय 8:45 तय किया गया था। लेकिन आखिरकार तकनीकी खराबी को दूर करते हुए लॉन्चिंग 2 घंटे देरी से 10 बजे की गई। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट से क्रू मॉड्यूल अलग हुआ और इसके बाद पैराशूट खुलने के साथ ही ये क्रू मॉड्यूल बे ऑफ बंगाल में लैंड हुआ, जिसे रिकवर करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज और गोताखोरों की टीम वहां तैनात थी। इस टेस्ट उड़ान के बाद अब अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। इस मिशन को 2025 तक के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके सफल लॉन्च के बाद भारत गगनयान मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में मानव भेजने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा।